चुनावी समर में सबसे बेहतर हथियार वो होता है जिसकी काट नामुमकिन ना हो तो मुश्किल जरूर हो। प्रदेश सरकार के लिए वरुणा एक ऐसा ही हथियार है जिससे गंगा पुत्र होने का दावा करने वाले मोदी को उनके अपने ही संसदीय क्षेत्र में चित करना संभव हो सकता है। राज्य सरकार केंद्र को घेरने के लिए बनारस में वरुणा बनाम गंगा का मुद्दा बनाने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। कहते हैं वाराणसी का नाम गंगा की सहायक नदियों वरुणा और असी से मिलकर बना है, लेकिन आज ये नदियां सियासत का अखाड़ा बन गई हैं। यूपी में गंगा बनाम वरुणा की सियासत हो रही है। वाराणसी में गंगा की सहायक नदी वरुणा के जीर्णोद्धार का बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है और इसके करीब 11 किलोमीटर के इलाके को विकसित किया जा रहा है, जिस पर यूपी सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। वरुणा कॉरिडोर के प्रोग्रेस का जायजा लेने पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी काफी खुश दिखे और शिवपाल यादव ने कहा कि 2 साल में जब मोदी सरकार ने गंगा पर कोई काम शुरू नहीं किया तब हमने पहले गोमती और अब वरुणा का काम शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे गंगा पर, बहुत बड़े वादे किए थे, तो जब उन्होंने 2 साल हमने देखा उन्होंने कोई काम नहीं किया तो हमने सबसे पहले गोमती को शुरू कराया। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा बहुत शर्मा जब उन्होंने यहाँ बनारस गंगा पर कहीं शुरू नहीं किया, तब फिर हमने यहाँ पर वरुणा पर ये शुरू करा दिया है। मॉडल तैयार होने लगा है। वरुणा को लेकर सीएम अखिलेश यादव की कल्पनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण में मॉडल के रूप में शास्त्री घाट से चौका घाट के 300 मीटर के दायरे में वरुणा तट को विकसित किया जा रहा है। वरुणा में पानी की कमी को देखते हुए रामेश्वर के पास चेक डैम बनाकर ज्ञानपुर पंप कैनाल से गंगा का पानी लाने की तैयारी है। साथ ही 14 नालों से गिरने वाले सीवेज को पाइपलाइन बिछाकर सराय मोहाना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ले जाने का प्रस्ताव है। होटलों और व्यावसायिक भवनों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का नोटिस जारी किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को भी फायदा होगा। वरुणा सौंदर्यीकरण प्लान से 95 गांवों के किसानों को फायदा होगा। वरुणा में पर्याप्त पानी होने से किसान इसका उपयोग सिंचाई के लिए कर सकेंगे। वहीं गंगा महासभा ने प्रदेश सरकार के इस ड्रेन प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए हैं और राज्य सरकार पर गंगा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए वरुणा बनाम गंगा के मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। शिवपाल यादव जी से मैं कहूंगा कि एक बार भारतीय संविधान का गंभीरता से अध्ययन करें। वाटर रिसोर्सेज और रिवर ये दोनों स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र का नहीं है। केंद्र सिर्फ एक फंडिंग एजेंसी के रूप में काम कर सकती है। प्रदेश की जनता ने जिस काम के लिए समाजवादी पार्टी सरकार का चयन किया वो तो कर नहीं रहे, और अकेले वरुणा और गोमती और गंगा के नाम पर वो राजनीति कर रहे हैं। हालांकि पर्यावरणविद इस परियोजना को एक स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे गंगा को स्वच्छ करने में सहायता मिलेगी, लेकिन इस परियोजना को वो नदी सौंदर्यीकरण से जोड़कर देख रहे हैं, ना कि नदी संरक्षण से। लोकसभा चुनाव से पहले साबरमती मॉडल को लेकर बीजेपी ने एक माहौल बनाया था और ये रणनीति काम भी कर गई थी। बिल्कुल उसी तर्ज पर अखिलेश ने वरुणा कॉरिडोर का मास्टर स्ट्रोक खेला है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा के मुद्दे पर वरुणा के माध्यम से घेरने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट वरुणा कॉरिडोर, जो कि 11 किलोमीटर का एक गलियारा है, वो गुजरात के साबरमती मॉडल पर आधारित है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को उनके ही स्ट्रेटजी के आधार पर उनके अपने संसदीय क्षेत्र में घेरने की तैयारी में हैं। लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि नदियों का सौंदर्यकरण और नदियों का संरक्षण दोनों अलग अलग चीजें हैं। वरुणा कॉरिडोर प्रोजेक्ट वरुणा के सौंदर्यकरण से जुड़ा हुआ है, न कि वरुणा के संरक्षण से।
कैमरा पर्सन बाबूलाल साथ अमित कुमार, इंडिया 24/7 वाराणसी।